चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं 72 घंटे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऊर्जा प्रबंधन की होगी। प्राइवेट होने पे कितनी महंगी बिजली हो जाएगी, कितना असर पड़ेगा जनता पे? 8,000 में एक संविदा कर्मी अपने घर का गुजारा कैसे करे? हमारा इससे पहले एक हमारा कार्य बहिष्कार आंदोलन हुआ था, जिसके तहत में हमारी 15 सूत्रीय मांगे थी, जो कि मुख्यमंत्री जी के पर्सनल सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी जी और ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उनकी अध्यक्षता में हमारे संगठन का बातचीत हुई थी और उसमें हमारी सभी 15 सूत्रीय मांगों को मान लिया गया था। लेकिन 15 दिन का समय दिया गया था ऊर्जा प्रबंधन को उनको क्रियान्वित करने के लिए, लेकिन आज 112 दिन हो जाने के बावजूद भी ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है और एक भी मांगों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। मुख्य मांगे क्या है आपकी, जितने भी मांगों में हमारे जो ऊर्जा प्रबंधन के शीर्ष पदों पर बैठे हुए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष महोदय हैं, एक पहले एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसके तहत पे उनको एक चयन प्रक्रिया के तहत उनकी चयनित किए जाने थे, लेकिन सभी लोग इस समय ऊपर के पदों पर सभी भी असंवैधानिक रूप से आज तक भी बैठे हुए हैं, उस चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो विभाग में सभी पदों के लिए एक निश्चित वेतनमान निर्धारित था, वो उसमें भी जो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं इन्होंने एक असंवैधानिक आदेश पारित करके उसको भी बंद करा दिया है, और इसके अलावा जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की मांग और समान पद के लिए समान वेतन, उत्तर प्रदेश की सभी जनपद और जितने भी हमारी उत्पादन निगम सब परियोजनाएं हैं सभी के मुख्यालयों पर ये चल रहा है, और अभी केवल हमारा आज तक का कार्य बहिष्कार था, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आज रात को 10 बजे से जो हमारी संगठन के कॉल पर हम हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं 72 घंटे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऊर्जा प्रबंधन की है। ये हमारी हड़ताल होती है, इसका मुख्य उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है, कहीं से भी नहीं है। तमाम सी चीज़ें जैसे निजीकरण हो जाएगा तो उससे सबसे ज़्यादा भार जनता पे पड़ेगा। पब्लिक आप जानते ही हैं, बनिया जो भी इस विभाग को लेगा वो अपने फ़ायदे के लिए, जैसे किसानों की बिजली मुफ्त की गई है तो क्या पब्लिक, ये तो सरकारीकरण है तब ऐसा हो पा रहा है, अगर इसका निजीकरण हो जाएगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्यूबवेल की किसान से वो बिजली का पैसा नहीं लेगा, वो किसान से बिजली का पैसा लेगा। इंकलाब जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। ऊर्जा प्रबंधन ने हमारे लिए कोई भी ठोस सुरक्षा उपकरण नहीं दिए हुए हैं, एक टेम्परेरी सुरक्षा उपकरण है जिसमें संविदा कर्मी की जान पर बनी रहती है। अभी ये आंदोलन आप कैसे देख रहे हैं, अगर इस तरह के विभागों से भी अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है? दिक्कत तो ये है कि 8,000 में एक संविदा कर्मी अपने घर का गुजारा कैसे करे? 8,000 रुपये में तो आदमी अपना गुजारा नहीं कर सकता ना, तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारी मांग भी पूरी हो, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पर बरकरार रहें। आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांगे जाए जाए, और हम केवल अपने लिए नहीं इस पूरे जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। एक तरह से ये प्राइवेट वाला है, प्राइवेट होने पे कितनी महंगी बिजली हो जाएगी, कितना असर पड़ेगा जनता पे और हमारे उद्योगों पे, सब पे पड़ेगा, मोनोपोली हो जाएगी जिसकी बिजली आएगी प्राइवेट वाले की, इसलिए हमारा जो है ये आंदोलन सफल होगा। सब मन से लड़ रहे हैं और लास्ट लड़ रहे हैं, जब तक हम जीतेंगे नहीं पीछे नहीं हटेंगे।